यहाँ पे तो जंगल ही जंगल है। पूरी लाइफ में इससे ज्यादा टफ रोड नहीं देखा। पार्वती वैली के जंगलों में गुम हो जाए तो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ जोज में, जो कि कसोल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वॉकिंग डिस्टेंस ही है, जंगल सी वही बात है। इस जिले से जो ये सामने आप हॉस्टल देख रहे हो, मैं यहाँ पे रुका हूँ नोमैड में। नोमैड हॉस्टल ऑनलाइन बुकिंग की थी मैंने। Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times. कल मैं कसोल आ गया था बाय बस फ्रॉम चंडीगढ़, और कल मैंने सारा दिन रेस्ट किया कल, और मैंने ये बाइक रेंट पे ले लिया, बुलेट 350, जो कि मुझे 800 रुपीज़ पर डे के प्राइस के हिसाब से मिला। मैंने 4 दिन के लिए इसको रेंट पे लिया है ताकि मैं पार्वती वैली को एक्सप्लोर कर सकूं। इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो यार, जब मैं कसोल पहुंचा, मैंने यहाँ पर हर एक बंदे को ब्लंट या फिर सुट्टा लगाते देखा, जो मेरे लिए शॉकिंग तो नहीं था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। बट एक चीज़ का ज़रूर बुरा लगा कि यहाँ की खूबसूरती कहीं गुम सी गई। पार्वती वैली कब से नशेड़ियों की वैली बन गई, वी डोंट नो, हमें इस चीज़ का नहीं पता। क्योंकि इट वॉज लाइक राइडिंग माई बाइक ऑन द स्टोन्स। कोई रोड नहीं, सिर्फ हाइक करने का रास्ता, जिस पर मज़े तो आ रहे थे बट एडवेंचर भी उतना ही था। और रास्ते में मैंने कई चीज़ें एक्सपीरियंस की, और अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा था जो मैंने बाइक रेंट पे लिया है उसकी ब्रेक्स अच्छी होंगी, बट ब्रेक्स अच्छी नहीं थी। तो मुझे दिक्कत आ रही थी स्लोप्स पे, जब बाइक काफ़ी स्पीड पकड़ता था तो फिर रुकना उसका मुश्किल हो जाता था। काफ़ी संभालते हुए मैंने इस बाइक को चलाल तक पहुँचाया, जो कि आप देख रहे हो। तो यार, हमने इस जगह पे बाइक को खड़ा दिया है। यहाँ से आगे बहुत टफ होने वाला था बाइक को लेके जाना, और यहाँ के मैंने कुछ लोगों को बोला है बाइक का ध्यान रखने के लिए, ताकि मैं आगे चलाल तक जा सकूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा टफ रोड नहीं देखा। रोड तो क्या ही था, रोड तो था ही नहीं, पहाड़ ही था, पर अभी भी चलाल तक नहीं पहुँचे। मैंने थोड़ी पीछे ही बाइक खड़ा दी, क्योंकि इससे आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। व्यू देख सकते हो पार्वती वैली का। यहाँ पे काफ़ी कैफेज़ और कैंप जहाँ पे लोग स्टे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। 5 मिनट वॉक करने के बाद हम चलाल विलेज में एंटर हो चुके हैं। यहाँ के लोकल से पूछा कि यहाँ पे क्या देखा जा सकता है। यहाँ पे व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं और कैंप्स काफ़ी है इधर साइड। कसोल की मार्केट से एक रास्ता कटता है चलाल की तरफ, जो कि इतना ज़्यादा एडवेंचरस है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का, वो ना ही आए, क्योंकि गिरने का बहुत डर रहता है। मैं बहुत स्लो स्लो आया हूँ। तो यार, कैफ़े में सैंडविच खाने के बाद अभी हम आगे निकल चुके हैं, चलाल विलेज के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लो, लोगों के घर के साथ ही ये कनक कितनी अच्छी लग रही, गोल्डन गोल्डन। तो यार, अभी मैं हाइक करता करता चलाल विलेज में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं वो जगह को ढूंढ रहा हूँ जो पार्वती रिवर साइड आप फोटोज़ या वीडियोज़ देखते हो। पार्वती वैली में एक चीज़ नोटिस किया मैंने, ये पूरा जंगलों के बीच में बना हुआ है। ये प्रॉपर डेवलप नहीं है मनाली की तरह या फिर जो फेमस डेस्टिनेशन है उनकी तरह। यहाँ पे तो ये देख रहे हो आप, जंगल ही जंगल है। गाइस, दीदी बोल रही थी कि इधर से रास्ता निकलता है, पर हमें साला इधर से कोई रास्ता दिख नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो हम पार्वती वैली के जंगलों में गुम हो जाएं और हमें रास्ता ना पता चले। बट इसलिए मैं जगह जगह पूछ के जा रहा हूँ, जिससे भी जा रहा हूँ। और ये खेती की हुई है इन लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं चलाल विलेज में। दो दो तीन तीन रास्ते निकल रहे हैं जंगलों में से। अभी मैं तो तुक्का ही लगा रहा हूँ कि हाँ, रिवर साइड कौन सा होगा। बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पे पार्वती रिवर के साइड पे। और हम लोगों के खेतों में से होके जा रहे हैं। इधर जानवरों का डर भी है, मैंने सुना है कि पार्वती वैली में मंकी तो होते ही हैं सारी जगह माउंटेन्स पे, पर यहाँ पे बियर भी हैं, मतलब उनसे बच के रहना पड़ता है। इसीलिए शाम के बाद यहाँ पे निकलता नहीं है, शाम के बाद सारे यहाँ पे शांति हो जाती है। गाइस, रिवर तो दिख रही है।
straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. जलाल एक छोटा सा विलेज है जो कसोल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। पार्वती रिवर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो और ये वैली काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पार्वती वैली। बट ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया से ढकी हुई है। यहाँ पे आपको कैंप्स वगैरह रिवर साइड कैंप्स फॉरेस्ट में काफ़ी मिलेंगे। तो फाइनली गाइज हम अपने बाइक के पास पहुँच चुके हैं वापस। यहाँ पर हमने बाइक पार्क की थी जैसे आपने देखा था, यहाँ से हम चलाल गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, रहने का बंदोबस्त है प्रॉपर, और कैफेज़ वगैरह भी हैं।